अपने आखिरी लीग मैच में दक्षिण अफ्रीका ने हरा दिया इंग्लैंड की टीम को 10 रनों से। लेकिन इस सेगमेंट में हम बात करते हैं उस मैच का सबसे इम्पैक्टफुल खिलाड़ी कौन था, और हम रूसी वैंडर डूसन से ज्यादा आगे देख भी नहीं सकते थे। 94 नाबाद रन वो बनाते हैं। आप देख रहे हैं ड्रीम बिग चैंपियन ऑफ द डे पावर्ड बाय ड्रीम 11। हमारे साथ जुड़ते हैं दीप दास गुप्ता। वैंडर डूसन के यहाँ पर बात हो रही है दीप, जीत भी गए खुश भी होंगे जिस तरह की पारी खेली, लेकिन शायद ये मलाल होगा कि अगर ये पारी सेमीफाइनल तक ले जाती तो ज्यादा खुशी होती। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, खुश जरूर होंगे क्योंकि अच्छे लयमे भी दिखे इस टूर्नामेंट में और बहुत अच्छी पारी खेली उन्होंने। एक नंबर टीम को भी हराया दक्षिण अफ्रीका ने, लेकिन हराने के बावजूद सेमीफाइनल में क्वालिफाई ना करना मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा झटका सा है। जब आप 5 में से 4 मैच जीते उसके बावजूद आप नहीं क्वालिफाई करते हैं तो वो थोड़ा झटका तो लगेगा जरूर। हमने देखा 2 गेयर में उन्होंने बल्लेबाजी की, शुरुआत में थोड़ा ध्यान से खेले, बाद में तेजी से रन बनाए। मैं उनको सुन रहा था मैच के बाद, उनका कहना था उन्होंने बहुत जल्दी विकेट को परख लिया था और उन्हें लगा कि एक जो सेट बैट्समैन है वो बेहतर होगा बाद में रन बनाए, यानी कि एक कोई नया बल्लेबाज आए, तो एक सोची समझी रणनीति के साथ उन्होंने पारी को प्लान भी किया। बिल्कुल, जिस तरीके से जैसे आपने कहा पेस किया उन्होंने और साथ में वो कॉन्फिडेंस भी अपने अपने काबिलियत पे कि आप बाद में जाके बड़े हिट लगा सकते हैं, और ये हमने देखा इस पूरे टूर्नामेंट में और यूएई में खास करके कि जितना जो है बॉल पुरानी होती जाती है, जितना गेम आगे चलता जाता है थोड़ा सा पिच का वो बाउंस कह लीजिए, पेस कह लीजिए, उसमें दोहरापन दिखने लगता है, तो वहां पे एक सेट बल्लेबाज का रहना बहुत जरूरी है। और कोई भी अगर आप मैच उठा के देख ले, कोई भी टीम जिन्होंने अच्छे रन बनाए हुए इस पिच के ऊपर, कोई ना कोई सेट बल्लेबाज अंत तक रहा है। तो आप देख रहे थे दिस इज ड्रीम बिग चैंपियन ऑफ द डे पावर्ड बाय ड्रीम 11। We'll be right back.